वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है बल्कि ये भारत की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव के साथ कराया जाए जो 5 राज्यों में चुनाव है। तो आप गौर कीजिए कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में भी कड़ी टक्कर दिख रही है, तेलंगाना में भी तो कोई उम्मीद नहीं है, मिजोरम बीजेपी की एक थोड़ी सी अच्छी स्थिति है और राजस्थान में थोड़ी सी अच्छी उम्मीद है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी के फेस के साथ आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो वैसी स्थिति में बीजेपी को फायदा हो सकता है। पिछले दिनों तो वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा का विषय बने हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी तैयार की गई है, यानी कमेटी बनी है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनी है। भारत सरकार ने इस विषय की चर्चा करने लिए एक खास कमेटी भी बनाई है जिसके प्रधान अपने सबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लगाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का स्पेशल इजलास भी बुलाया गया है। एक जो सुगवाहट हो रही थी कि एक नेशन एक चुनाव यानी कि नेशनल लेवल पर और साथ ही स्टेट लेवल पर एक साथ चुनाव होंगे, उसको लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। मन्ने जा रहा है कि इस सेशन विच बीजेपी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लिया सकती है। विरोधी धिर इस बिल नूं लोकतंत्री ढांचे नाल छेड़छाड़ दस रहे हैं अते इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। केवल चुनाव कराना चाहते हैं या देश की टीवी मीडिया पर केवल डिबेट कराना चाहते हैं? आप अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर ये डिबेट है, और डिबेट क्यों है, इनसे पूछिए क्या रुपया डॉलर के बराबर हो गया, क्या बुलेट ट्रेन आ गई, क्या 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिल गए, क्या चीन पीछे गया है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है, आज किसान के हालात क्या हैं? आओ जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन दे कुछ अहम तथ्यों बारे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश विच होने वाली सारिया चोणा इकट्ठिया ही एक बार विच होणगिया। आजादी के कई साल बाद तक लोकसभा और विधानसभा की चोणा इकट्ठिया ही होंदिया सन, पर बाद विच समय तो पहला विधानसभा भंग होने कारण और सरकार डिगण के कारण यह परंपरा टुट गई और चोणा अगे पिछे हो गई। एक देश एक चुनाव की गल प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कई बार कर चुके हैं। उन्हों का कहना है कि इस दे नाल सरकार दे करोड़ों रुपए की बचत होगी। जेकर आप फैक्ट्स की गल करिए 1991-92 दियां लोकसभा दियां वोटां विच सरकार दे लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च होया सी, अते जदों कि 2019 दियां लोकसभा दियां वोटां विच लगभग 60 करोड़ रुपए खर्चा होया। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि देश विच हर साल हर महीने चोणां हुंदियां रहिंदियां हन जिस विच पूरी स्टेट मशीनरी अते वड्डे पद्धर दे कर्मचारियां दी वरतों कीती जांदी है। बार बार वोटां कारण स्टेटां विच चोण जाबता लगदा रहिंदा है अते सरकार दे विकास कार्यां विच वी रुकावट पैंदी रहिंदी है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू होने नाल बार बार चोणा करवाउण दा काम भी मुकेगा अते विकास कार्यां विच भी तेजी आवेगी। उधर विरोधी धिर दा कहना है कि इस बिल दे आउण नाल राज्यां विच चलदियां छोटियां पार्टियां बिल्कुल ही खत्म हो जाणगियां अते विरोधी धिर कमजोर होवेगी। एक तथ यह भी है कि एक वार विच सारी चोणा होने नाल चोणा दे नतीजे आउण विच भी भारी समां लग सकदा है।